तो जैसे हाय गाइस, मैं 3-in-1 रिपेयर से फोन बात कर रहा हूँ। तो इससे पहले मैंने आपको दिखाया था कि आप मोरन्यू कैसा इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसा डाउनलोड कर सकते हैं आपके कंप्यूटर में। ठीक है, अभी ये मैं मोरन्यू का लेआउट दिखाता हूँ। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि मोरन्यू का ये लेआउट है। अब ये क्या है, मोरन्यू एक सेमेंटिक टूल है। टूल मतलब है क्या, एप्लीकेशन टाइप में, जिसमें आपको फ़ोन और लैपटॉप के आपको सोल्यूशन मिलते हैं, फ़ोन लैपटॉप हार्डवेयर सोल्यूशन मिलते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है, इसके अंदर पार्ट कंपेबिलिटी डेटाबेस है। ठीक है, जो आपके आईसीज रहती है किस किस मॉडल पे सपोर्टेड है, हार्डवेयर सोल्यूशन है। ठीक है, सब मदरबोर्ड, सब पीबीए जिसको बोलते हैं, सब बोर्ड हार्डवेयर सोल्यूशन मतलब जो चार्जिंग कनेक्टर सीसी जो बोलते हैं उसके अंदर वो है। पीसीडी पार्ट कंपेटेबल डेटाबेस है, कनेक्टर इक्विवेलेंट है मतलब जो कनेक्टर लगते हैं, जैसे कि आपके चार्जिंग स्ट्रिप के कनेक्टर हो गए, डिस्प्ले कनेक्टर हो गया, वो सब चीज़ हो गया। मिट मैप है और एसओसी सिस्टम ऑन चिप डायग्राम है। ठीक है, इसके अलावा मोरन्यू डाटा वर्क भी है इसके अंदर। अभी मैं बताता हूँ कि ये लेआउट में एग्जैक्ट होता क्या है। ठीक है, ये लेआउट में सबसे पहले ये चीज़ बताता है कि ये आपको वेलकम करता है, वेलकम यूज़र्स। ठीक है, उसके नीचे मोरन्यू का ये जो वर्जन कौन सा है। ठीक है, मोरन्यू सेमेंटिक वर्जन 4.29 दिसंबर 13 पैच हुआ था, ये 13.12 वर्जन है। ठीक है, उसके नीचे यूज़र नेम है और ये आई करके आइकन है, जिसमें आप कुछ भी क्लिक करके आप क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखा देगा कि क्या चीज़ है। ठीक है, इसके नीचे पासवर्ड है, ये स्टे साइन इन करके ये ऑप्शन है। एक अगर आप लॉग इन करके क्लिक करते हैं तो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डबल डबल और सॉफ्टवेयर नहीं डालना होगा। इसके बाद आपका फॉरगॉट ऑप्शन है जब आप पासवर्ड भूल जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर लॉगिन का प्रॉब्लम है तो आपको अगर उनके सपोर्ट टीम पे मतलब जाना है, उनसे कांटेक्ट करना है, तो आपको जस्ट करना क्या है, ये आप ये क्लिक पे आप उनके सपोर्ट टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरा व्हाट्सअप यहाँ चालू है। ठीक है, अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो देखिए आप कैसा व्हाट्सअप के ये पेजेस पे ये आप जाएंगे और डायरेक्टली उनसे चैट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं उनके सपोर्ट टीम का नंबर है, तो मेरे अंदर अगर कुछ इशू आता है तो मैं लिख सकता हूँ, हाय आई एम फ्रॉम इंडिया, माय मोरन्यू इज नॉट वर्किंग, और मैं इसको सेंड कर सकता हूँ। पर अभी मेरा कुछ इशू नहीं है तो मैं इस चीज़ के लिए अभी डिस्कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है, ये आप देख रहे हैं ऑनलाइन है। आपको जब इनसे कांटेक्ट करना है तो ये याद रखना कि आपको आपकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश रहना चाहिए। अगर आपको हिंदी में अगर इशू आपको बयान करना है तो आप एक काम कर सकते हैं, गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करके आपकी जो भी लैंग्वेज रहेगी, मेरी जैसे कि गूगल ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश में कर लेता हूँ। अभी मैं यहाँ जो भी कुछ भी रहेगा, ठीक है, जो भी है मैं यहाँ इंफॉर्मेशन डालूँगा, यहाँ से कॉपी और यहाँ पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि इनको हिंदी लैंग्वेज आती नहीं है या इनको इंग्लिश लैंग्वेज आती है, तो आपको ये कम्युनिकेशन बैरियर नहीं आएंगे। कम्युनिकेशन बैरियर ये होती है कि मुझे अगर इंग्लिश समझ में आती है, मुझे हिंदी समझ में नहीं आती, आप कुछ भी बोले तो मुझे समझ में नहीं आता, तो आपको आसानी ये रहेगी कि आप गूगल ट्रांसलेटर यूज़ कीजिए और ये कन्वर्ट करके आप उनको भेजिए, तो आपका प्रॉब्लम ये जरूर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इनका भी कुछ टाइमिंग होता है, तो इनकी भी सपोर्ट के टाइमिंग के हिसाब से वो अनुसार काम करते हैं। तो ठीक है, तो ये इंडोनेशिया में ये इनकी कंपनी है, तो इंडोनेशिया की टाइमिंग के हिसाब से वो काम करते हैं। ठीक है, तो यदि ये वो टाइमिंग पे अवेलेबल, इंडिया के कोई भी टाइमिंग पे अवेलेबल नहीं रहेगा, आपको इंडोनेशिया और इंडिया टाइमिंग को मैच करके इनके सपोर्ट पे आपको मैसेज करना होगा। यदि आप इनको मैसेज कर देते तो कभी कभी रिप्लाई नहीं आता, तो उस संगे वो ऑफलाइन होंगे, उनके टाइम पे वहाँ सोने का टाइम हो गया रहेगा और यहाँ कुछ अलग टाइम होगा, तो इसलिए वो रिप्लाई नहीं करते, बस सेकेंड डे आके वो आपको तुरंत रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ इनको ये चीज़ मैं बताता हूँ। ठीक है, तो ये होता है टोटली ये चीज़, एक मैंने आपको यहाँ सपोर्ट अलग बता दिया है। इसके बाद आपको ये नया यूज़र रजिस्टर करते हैं मोरन्यू में, तो आपको यहाँ क्लिक करना होगा, डायरेक्टली ये खुल जाएगा रजिस्ट्रेशन पेज पे, जहाँ क्लिक कर सकते हैं। अगर अभी आपका ये एक्सपायर्ड हो जाता है मोरन्यू, तो आपके पास लाइसेंस किए हो तो आप डायरेक्टली ये चीज़ रीन्यू कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नई चीज़ें ये कि क्लिक एंड डाउनलोड न्यू अपडेट है, यदि कोई अपडेट आता है तो यहाँ से भी क्लिक करके कर सकते हैं। ये होता है सर्वर,
कभी कभी सर्वर में इशू आता है तो आप सर्वर स्विच कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने सर्वर 2 यूज़ कर लिया, कभी सर्वर 1 यूज़ कर लिया, ठीक है। अभी मैं ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर अभी नए यूज़र हो तो मैं रजिस्ट्रेशन न्यू यूज़र पे क्लिक करता हूँ। इसमें इन्फॉर्मेशन लिया गया है, ठीक है, तो मुझे इन्फॉर्मेशन डालना है। तो ये मैं यहाँ यूज़र डाल रहा हूँ, ठीक है। ये आपको मैं यहाँ ईमेल एड्रेस फिल कर रहा हूँ। आपको यहाँ नंबर एंटर करना होगा, ठीक है। ये आपको पासवर्ड आपके हिसाब से लाना है, ठीक है। तो मैं डालता हूँ मेरा पासवर्ड, और ये एक्टिवेशन कोड है। जब भी आप बोर्नियो परचेस करते हो तो आपको एक एक्टिवेशन कोड मिलता है, तो ये एक्टिवेशन कोड है जो कि मैं पहले से कॉपी करके रखा हूँ, और मैं यहाँ इनको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। मैं जब रजिस्टर करूँगा तो ये क्या पॉपअप खुल के आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू रजिस्टर फॉर बोर्नियो सेमेंटिक, मैं क्लिक करता हूँ येस, तो ये मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है। अभी इसके अंदर रजिस्ट्रेशन न्यू अकाउंट सक्सेसफुली चेक योर ईमेल फॉर डेटा लॉगिन, ठीक है। तो लॉगिन का जो भी डिटेल रहेगा मेरे ईमेल पे आ जाता है, तो मैं ईमेल खोलता हूँ, यहाँ मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। कभी कभी सर्वर के इशू की वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है, तो ये ईमेल आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है कभी कभी, तो अभी तक ये आया नहीं है। तो ये ईमेल के लिए तो हम वेट करते हैं, थोड़ी देर के बाद चेक कर लेते हैं। मैं मेरा यूज़र नेम चेक कर लेता हूँ, 301 रिपेयर, और इसके अंदर पासवर्ड बाय डिफॉल्ट ले लिया है। मैं जब लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगी। ठीक है, देखिए आपको ये अपडेट लाइब्रेरी जो फाइल जो है इसके अंदर की ये अपडेट हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया है बोर्नियो का लॉगिन स्क्रीन। तो ये प्रोसेस में हमने सीखा है कि किस तरीके से आप रजिस्टर करके बोर्नियो पे लॉगिन कर सकते हैं आपकी की के लिए, ठीक है। यदि आपको कोई, अगर आपने बोर्नियो परचेस करे हैं, यदि आपको कोई भी यूज़र नेम पासवर्ड देते हैं तो आप इनसे बोर्नियो मत खरीदिए, क्योंकि ये बोर्नियो के स्पेशल की होती है जो लोग रजिस्टर करके भेज देते हैं, ठीक है। मतलब किसी का और यूज़र का आईडी पासवर्ड आपको शेयर कर दे तो वो आप परचेस नहीं कीजिए। आप आपके रीसेलर से डिमांड कीजिए कि हमें सिर्फ बोर्नियो की की चाहिए, हम रजिस्टर खुद कर लेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो मैं यहीं पोस्ट कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँ आपको बोर्नियो के कुछ फीचर्स के बारे में, ठीक है। आप इसी तरीके से बने रहे हमारे यूट्यूब के ये ब्लॉग में, जहाँ मैं बोर्नियो एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस।